सो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारे लीक्स जो कि हमारे गेम से जुड़े हैं उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर और उसके बाद वाला भी इंक्यूबेटर, इन सब की मेरे को लीक्स लिए तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे हमारा इलाइट पास होगा कौन सा नेक्स्ट इलाइट पास, इन सब के बारे में बताऊंगा। हमारा रैम्पेज 2.0 इवेंट के बारे में, कौन कौन से नए बंडल्स आ रहे हैं, नया इंक्यूबेटर, इन सब के बारे में बताऊंगा। इलाइट पास के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट के नेक्स्ट सीजन के बारे में। तो इन सब को देखना है अगर आपने तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना और वीडियो का एक पॉइंट भी मिस मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल कम बात करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा और आपको सारे लीक्स प्रोवाइड कराऊंगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा पिछली बार हमारा रैम्पेज सीजन चल रहा था तो उसमें हमारे को कुछ इस तरह का देखने को मिला था जो हमारा लोडिंग स्क्रीन था, तो इस बार भी हमारा रैम्पेज इवेंट उसमें भी इस तरह के चार बंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये चार बंडल्स। तो जैसा आप देख सकते हैं ये चार बंडल्स हैं और पिछली बार हमें ये चारों बंडल्स जो देखने को मिल रहे थे इन्हीं के जैसे इस बार भी चार बंडल्स हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, तो ये बंडल जो है जैसा आप दिख रहा होगा, दो इनमें से इलाइट पास के हैं और दो डायमंड रॉयल के हैं। तो जो येलो वाला है वो है हंगर स्ट्राइक के बदले और जो हमारा ग्रीन वाला है वो है हमारा वैनम टच के बदले, और जो ये दो है ये हमारे इलाइट पास के बंडल्स हो सकते हैं। तो इस बार भी थोड़ा वैसा ही है कॉन्सेप्ट इनका रैम्पेज 2.0 का। तो दिखा देता हूँ मैं एक और इमेज आपको जिसमें दिखाया जा रहा है जो हमारा वैनम टच है उसकी जगह ये दूसरा बंडल और जो ये हंगर स्ट्राइक है उसकी जगह ये येलो वाला बंडल। तो दोनों बंडल ही जितने भी इस बार के रैम्पेज इवेंट के बंडल्स हैं पिछली बार के रैम्पेज इवेंट के बंडल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक से लग रहे हैं। रुमाल बुमाल है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे को। तो पिछली बार के रैम्पेज वाले बंडल्स अच्छे नहीं थे, इस बार के थोड़ा रियलिस्टिक बंडल्स हैं तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो जैसा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो ये हमारा इलाइट पास में जैसा बंडल आया था आप कोने में देख रहे हैं इलाइट पास का बना हुआ है, तो ये बंडल हमारा इलाइट पास में भी आ सकता है। तो इसी का मैं फीमेल वर्जन दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा इलाइट पास में आया था, तो इस बार भी ये हमारा इलाइट पास में आ सकता है। ये हमारा नेक्स्ट सीजन से नेक्स्ट में आ सकता है, इसके चांसेस हमारे नेक्स्ट के नेक्स्ट सीजन में आने के हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जो हमारे दूसरे बंडल है, जैसे हमारा हंगर स्ट्राइक वाला उसकी जगह कौन सा बंडल है उसकी भी वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं ये जो हमारा हंगर स्ट्राइक बंडल था उसकी जगह बंडल देखने को हमें ये मिल सकता है, तो ये तो काफ़ी अच्छा है। हंगर स्ट्राइक बंडल से भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा इसमें काम किया गया। पिछली बार के बंडल उतने ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं थे, कार्टूनिश थे, बट इस बार के थोड़े अच्छे लग रहे हैं बंडल। हेयर वेयर सब कुछ अच्छा है इसका। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो बंडल वैनम टच के रूप में आया है, जो हमारा पहले वैनम टच था उसकी जगह जो बंडल आया है वो आपको दिखा देता हूँ। तो इसका भी जो मुंह पे रुमाल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोट बाल बहुत अच्छा है। पिछली बार जो हमारा हंगर स्ट्राइक था सॉरी वैनम टच था वो इतना अच्छा नहीं था, बट इस बार का वैनम टच बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको। तो मैं रेटिंग देने की बात करें तो मैं इसको 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि मुझे बंडल बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसके आने के चांसेस हैं हमारे डायमंड रॉयल में, जैसा हमारा वैनम टच और हंगर स्ट्राइक बंडल आया था जो अभी हमारा मैजिक स्टोर में अवेलेबल था, मैजिक क्यूब में एक्सचेंज में अवेलेबल था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा इलाइट पास आएगा उसके बैजेस क्या होंगे। तो नेक्स्ट के नेक्स्ट इलाइट पास उनके बारे में मेरे को लीक्स मिली है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट के नेक्स्ट इलाइट पास के बैजेस हैं। सो एक तो है क्या नाम है अमेरिका सुशी, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, ट्रांसलेट कर लेंगे गूगल में। और एक है रेंडन साउ 2 मतलब रेडम्पशन 2 जो हमारा पहले वाला इलाइट पास था जो मैंने आपको जैसा पिछले बार दिखाया था रैम्पेज इवेंट में जो आया था उसका नाम था रिडेम्पशन, और इस बार होएगा वो रिडेम्पशन 2.0। सो ये वही वाले लाइट पास की बात चल रही है जिसके बंडल्स मैंने आपको दिखाया अभी पीछे। तो इसके सब बोर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे स्क्रीन पे ये रहे हमारे सब बोर्ड। सो देख लीजिए आप, ये सब बोर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो नीचे वाला है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो हमारा ऊपर वाला है वो रिडेम्पशन 2.0 वाला ही लाइट पास है, और जो नीचे वाला है वो हमारा जो समुराई टाइप का लाइट पास है उसके ऊपर बेस्ड है। सो ये दोनों तो होगी बात, और आप बोलोगे कि भाई जो हमारा नेक्स्ट लाइट पास होगा वो कौन सा होगा, तो मैंने उसकी वीडियो 2 महीने पहले ही बना दी थी दोस्तों। सो अगर आपने अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, ये वीडियो है मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगी।
और दोस्तों मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने दो अपडेट वीडियो बनाई थी वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कहाँ कहाँ से लीक्स ढूंढ ढूंढ के बनाई थी, पर उस पर काफ़ी कम व्यूज़ गए, किसी ने शेयर ही कम किया, उसे बहुत कम किया शेयर। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं और ऐसे फटाफट अपडेट्स वीडियो ला सकूँ और भी बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल सके इसी तरह जैसे आपको मैं अभी दे रहा हूँ। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि हमारे इंक्यूबेटर के बारे में कि हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर क्या होगा। तो मैं दिखा देता हूँ जो हमारा इंक्यूबेटर का ब्लूप्रिंट होएगा वो क्या होएगा हमारे नेक्स्ट और नेक्स्ट इंक्यूबेटर का। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा इंक्यूबेटर का ब्लूप्रिंट होएगा जिसमें कि एक हमारा बंडल वाला है और दूसरा हमारा गन स्किन वाला है। तो ये गन स्किन शॉटगन की लग रही है जो हमारी दो गोली वाली M80 873 वाली है, तो ये वाली शॉटगन की लग रही है मेरे को, जहाँ तक कि M1014 की भी हो सकती है ये इंक्यूबेटर का ब्लूप्रिंट। तो अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके बारे में, तो ये आपको मैंने ब्लूप्रिंट दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट वाला ब्लूप्रिंट है इसका जो बंडल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे इस इंक्यूबेटर के। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बंडल होएगा हमारे जितने भी हैं, या तीन बंडल ये हमारे होंगे मेल के और जो नीचे वाले हैं ये होंगे हमारे फीमेल के। सो अब मैं इनकी वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो में ये बंडल कैसे लगेंगे। मेरे पास सिर्फ दो ही वीडियो है जो टॉप के बंडल्स हैं उनकी वीडियोज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियोज़ भी। सो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा मेल का इंक्यूबेटर का बंडल है जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है, रेड वाइट का कॉम्बिनेशन है इसमें, बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है बंडल मेरे को, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। थोड़ा थोड़ा आर्टिक ब्लू से मैच कर रहे हैं इसके हेयर और बाकी इसका जो टॉप भी है वो भी बहुत अच्छा है, पैंट थोड़ा बेकार है बाकी सब कुछ इसमें अच्छा है। और अब देखते हैं हम अपना फीमेल बंडल, जो हमारा फीमेल बंडल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके सन ग्लासेस वाइट कलर के अच्छे हैं, हेयर भी काफ़ी अच्छा है और जैकेट भी काफ़ी अच्छा है, पैंट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है बट काफ़ी अच्छा है ये ओवरऑल बंडल, बहुत मेरे को पसंद आया। और बाकी जैसे जैसे हमें लीक्स और भी मिलती जाएंगी इंक्यूबेटर की इसके अदर बंडल्स के बारे में वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप बेल आइकन को दबा देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को अगर नहीं किया अभी तक। और अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट अपडेट, तो जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है हमारे इसके बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्किन्स है, जैसे इसमें SKS M60 Kar98 और ये सब स्किन दिख रही है हाथ में फायर, ये सारी स्किन्स है बहुत ज़्यादा अच्छी, एंजेलिकल स्किन है ये सारी। और अब आपको दूसरी स्किन्स दिखा देता हूँ, तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें कुछ पैन है वाटरमेलन वाला और भी बहुत सारी गन स्किन्स हैं, ब्लू कलर की, रेड कलर की, येलो, बहुत सारी गन स्किन्स है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ नए आइटम्स, तो जैसा आप देख रहे हैं ये कुछ दो तो ग्रेनेड लग रहा है और ये नीचे वाला पता नहीं चल रहा है ये क्या चीज़ है, वैसे ये तीनों ग्रेनेड नहीं हो सकती, शायद ग्रेनेड हो बट कंफर्म नहीं है कि ये ग्रेनेड ही हो। और ये ताश जैसी चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैं अब आपको दिखा देता हूँ जो कि नई चीज़ें हमारे गेम में आने वाली है, नए आइटम्स गेम में आने वाले, उनकी एक पिक्चर मिली है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो पहली तो ये हमारी स्नाइपर गन है, इसके बारे में आप सबको पता ही चल गया होगा अदर यूट्यूबर से और मुझसे भी मैंने आपको बता दिया था। और ये नीचे दूसरी चीज़ है ये एक स्प्रे है, और ये जो तीसरी चीज़ है प्लास जैसी, ये नहीं पता चल रहा ये क्या चीज़ है और इसका क्या यूज़ होगा। तो बस अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे ओवरऑल जितने बैजेस आएंगे इस अपडेट में वो कौन कौन से बैजेस होंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये सारे बैजेस हमारे आएंगे एज अ इवेंट में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होएगी हमारी अपकमिंग ड्रेसेस जो अपडेट्स में हैं उनके बारे में, मैं आपको दिखाऊंगा जितने भी ड्रेस आएंगे अपडेट्स में उन सब के बारे में बताऊंगा, तो उसको भी मिस मत करना। और अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी मेरी जो अपडेट्स वाली है वो आप देख लेना, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप मेरे वीडियोज़ में भी जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को सपोर्ट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ऐसे ही बहुत सारी लीक्स मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊँगा जो हमारे हीरोइन की ड्रेसेस होंगी इन सब के बारे में बताऊंगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज़।